हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कोलेस्ट्रॉल को कम कर खून को साफ और नसों को मजबूत बनाने के लिए कौन कौन सी सब्जियों का सेवन करना चाहिए। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसी ही लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहे। दोस्तों, वर्तमान में अनहेल्दी डाइट और उच्च कोलेस्ट्रॉल युक्त भोजन का सेवन लोगों में बीमारी के प्रमुख वजह है। दोस्तों, डॉक्टर्स तथा हेल्थ एक्सपर्ट लोगों को अपने खाने में तेल से बने खाद्य पदार्थों, अनहेल्दी फैट, नमक, शुगर के सेवन को कम करने की सलाह देते हैं। दोस्तों, इनके अलावा खाने में फाइबर, विटामिन, मिनरल्स और हेल्दी फैट वाली चीज़ों को ज़्यादा शामिल करने की सिफारिश करते हैं। दोस्तों, रिसर्च में पता चला है कि सब्जियों के नियमित सेवन से शरीर में जमा खराब अर्थात बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद मिल सकती है। दोस्तों, इस वीडियो में कुछ ऐसी ही सब्जियों के बारे में बताएंगे जो शरीर में जमा कोलेस्ट्रॉल को बाहर निकालकर खून की नसों को साफ तथा मजबूत बनाने में मदद करती है। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कोलेस्ट्रॉल क्या होता है। दोस्तों, कोलेस्ट्रॉल लिपिड का एक प्रकार है जो मोम जैसा पदार्थ होता है। दोस्तों, यह रक्त वाहिकाओं में पाया जाता है। कोलेस्ट्रॉल मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है, अच्छा कोलेस्ट्रॉल यानी गुड कोलेस्ट्रॉल और खराब कोलेस्ट्रॉल यानी बैड कोलेस्ट्रॉल। दोस्तों, अच्छा कोलेस्ट्रॉल या गुड कोलेस्ट्रॉल उच्च घनत्व वाले लिपोप्रोटीन HDL होते हैं जो शरीर के बेहतर कामकाज के लिए जरूरी हैं, जबकि खराब कोलेस्ट्रॉल या बुरे कोलेस्ट्रॉल को निम्न घनत्व लिपोप्रोटीन या LDL कहा जाता है जो आपको बीमार बना सकता है। मानव शरीर में खराब कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ने से दिल की बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। दोस्तों, शरीर से खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करने और शरीर में प्रवेश करने से रोकने के लिए हेल्दी डाइट का सेवन करना बहुत ही जरूरी होता है। इसके लिए आपको तेल से बने खाद्य पदार्थों, अनहेल्दी फैट, शुगर का सेवन कम करना होगा तथा खाने में फाइबर, विटामिन, मिनरल्स और हेल्दी फैट वाली चीज़ों का सेवन अधिक करना होगा। दोस्तों, अब बात करते हैं कोलेस्ट्रॉल कम करने वाली सब्जियों के बारे में। दोस्तों, शरीर में जमा गंदा कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए आप नियमित सब्जियों का सेवन कर सकती हैं। यहाँ इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी सब्जियों के बारे में बताएंगे जिनका सेवन प्राकृतिक रूप से आपके खून से खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करने और ब्लड वेसल को स्वस्थ और मजबूत बनाने में मदद कर सकता है। दोस्तों, सबसे पहले है बीन्स। दोस्तों, बीन्स में घुलनशील फाइबर की भरपूर मात्रा पाई जाती है। चूँकि फाइबर को पचाने में शरीर को थोड़ा अधिक समय लगता है, जिसका मतलब है इसका सेवन आपको अधिक समय तक पेट भरा हुआ महसूस कराएगा। यही कारण है कि वजन कम करने वाली व्यक्तियों के लिए बीन्स का सेवन एक बेहतर विकल्प है। इसके अलावा बीन्स एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन, मिनरल्स का भी बेहतर स्रोत है जो बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करने, रक्त वाहिकाओं को मजबूत बनाने में मदद करता है। दोस्तों, अगला है बैंगन। दोस्तों, एंटीऑक्सीडेंट का बेहतर स्रोत होने के कारण बैंगन को कोलेस्ट्रॉल लेवल तथा हृदय रोग के जोखिम को कम करने वाली सब्जियों में शामिल किया जाता है। दोस्तों, अगला है भिंडी। दोस्तों, शरीर में कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करने के लिए सब्जियों में भिंडी के सेवन पर अधिक जोर देना चाहिए। भिंडी में मैस्यूलेज नामक एक गाढ़ा जेल जैसा पदार्थ पाया जाता है जो पाचन क्रिया के दौरान कोलेस्ट्रॉल को बांध सकता है। दोस्तों, अगला है लहसुन। आपके किचन में उपस्थित लहसुन स्वास्थ्य से गुणों से भरपूर औषधि है। इसका उपयोग सब्जी और कई तरह के व्यंजनों में कर सकते हैं। शोधकर्ताओं ने पाया है कि लहसुन का रक्त कोलेस्ट्रॉल सेवन लेवल को कंट्रोल करने में मदद करता है। दोस्तों, कोलेस्ट्रॉल को कम करने के साथ ही लहसुन का किसी तरह से नियमित सेवन से रक्तचाप को भी कम करने में मदद करता है। दोस्तों, अगला है केल। दोस्तों, केल एक ऐसी सब्जी है जिसमें फाइबर सहित कई अन्य पोषक तत्व भारी मात्रा में पाए जाते हैं। एक कप उबले हुए केल में 4.7 ग्राम तक फाइबर पाया जाता है। फाइबर युक्त सब्जियां तथा भोजन का सेवन खून में वसा को कम करने, ब्लड प्रेशर नियंत्रित करने में मदद करता है। दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो इस